आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने छठे दिन सोमवार की शाम अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तोड़ दी और कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के अपने आरोपों को लेकर सीबीआई और सीबीडीटी जाएंगे। मिश्रा ने ट्वीट किया कि चिकित्सकों ने कहा है कि जब तक मैं तरल पदार्थ लेना शुरू नहीं करता तब तक वे मुझे अस्पताल से नहीं जाने देंगे। मुझे सीबीआई और सीबीडीटी जाना है, इसलिए मैंने तरल पदार्थ लेना शुरू कर दिया है। कपिल मिश्रा ने आगे होने वाले खुलासों के बारे में बताते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक का 225 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसकी जानकारी जल्द एलजी को दूंगा। सरकार के अधिकारी और मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े कुछ डॉक्टर्स ने जानकारी दी है, जिसकी एसीबी में भी शिकायत दर्ज करूंगा। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मिश्रा ने कहा कि झूठ पर खड़ी बुनियाद ढह चुकी है, इसलिए झूठ फैलाने वाले अपने अपने घरों में छिप गए हैं। काला धन इकट्ठा करने वाले लोग सच्चाई की गुहार समझ नहीं सकते।